शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। समाज स्त्री और पुरुष की दोस्ती पर उंगली उठाता है, खास तौर पर जब एक शादीशुदा अमीर आदमी की दोस्ती मुझ जैसी एक लड़की से हो। शायद इसीलिए इंद्रजीत को आज इस अदालत में आकर कलंकित होना पड़ रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी इंद्रजीत की पत्नी कमला देवी पर है। मैं इन पर इल्जाम लगाती हूँ, ये अपने पति को नहीं समझ सकी, समझने की कोशिश भी नहीं की। इन्होंने अपने पति को प्यार नहीं दिया, उनका विश्वास नहीं किया, बल्कि शक किया, नफरत की। इनके भाई अविनाश ने इंद्र के फैक्ट्री में 3 लाख रुपए का गबन किया, फिर भी इंद्र ने इनकी खुशी के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पत्नी को तो ये भी नहीं मालूम, उसका पति जेब में जहर की शीशी लेकर घूमता था, मौत को गले लगाकर इज्जत बचाने के लिए। योर ऑनर, जिन लोगों की खुशी के लिए इंद्र ने सारी जिंदगी बिता दी, उन लोगों ने बदले में इंद्र को क्या दिया? सिर्फ बदनामी, नफरत और चोरी का इल्जाम। खत्म होते हुए इंसान के रूप में इस महान पुरुष के दर्द को अगर कोई समझा, तो सिर्फ इस जलील गंधी औरत रोजी ने, जिसका इनसे कोई स्वार्थ नहीं। मेरा सिर्फ एक ही अरमान था योर ऑनर, जिस बच्चे को बचाने के लिए मुझे इस कीचड़ में उतरना पड़ा, उसे इस धरती पर इंद्र के सिवा कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, इंद्र तुम ही मीनू को बचा सकते हो, सिर्फ तुम। उसे बचा लो इंद्र। कॉलगन स्कैंडल शेक्स मुखर्जी फैमिली, मिस्टर इंद्रजीत मुखर्जी और कैलकटा बिजनेस मैग्नेट is being prosecuted for having illicit relationship with Rosy, a Delhi call girl. ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं मीनू, कुछ नहीं। Your Honor, अभी तक जितने गवाह आए हैं उनके बयान से साबित होता है कि इंद्रजीत मुखर्जी एक झूठे, फरेबी, धोखेबाज और चरित्रहीन इंसान है। अब मैं एक ऐसे गवाह को पेश करूंगा जो खुद उनके जुल्मों का शिकार है, वो है उनकी पत्नी मिसेस कमला मुखर्जी। के जुल्म का शिकार असहाय अबला कमला देवी अदालत के सामने हाजिर है। इन्हें हर पल सताया गया, हर दिन धोखा दिया गया, फिर भी ये देवी समान स्त्री पति के प्रेम को तरसती रही। मगर इन्हें मिलाकर अपमान, तिरस्कार, जिसे ऊपर ये घर छोड़कर चली गई। और इंद्रजीत मुखर्जी ने जब सुना कि कमला देवी ने आत्महत्या कर ली, तब इन्होंने सच्चाई का पता नहीं लगाया योर ऑनर, बल्कि संतोष की सांस ली। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त क्या खुद ही लेक्चर देते रहेंगे या गवाह को भी कुछ कहने का मौका देंगे? मिस्टर घोष, एग्जामिन द विटनेस प्लीज। यस योर ऑनर, इन अ मोमेंट। कमला देवी, आपकी जो संपत्ति है, कार, बंगला, फैक्ट्री, ये सब आपके पति की है या ससुर जी की? मैं ठीक ठीक नहीं जानती। आप घर की बड़ी बहू हैं, घर के मामले में इतना भी नहीं जानती? संपत्ति की ओर नजर रखना ही घर की बड़ी बहू का काम नहीं होता। आपकी शादी के वक्त आपके ससुराल की आर्थिक दशा कैसी थी? साधारण थी। उसके बाद मेरे पति ने फैक्ट्री बनाई, बंगला खरीदा। इसके लिए पैसा कहाँ से आया? ये मेरे पति ही जानते हैं, मैं नहीं। क्या आप रोजी नाम की किसी स्त्री को जानती हैं?
जवाब दीजिए। जी हाँ, मैंने उन्हें दिल्ली में देखा था। वो मेरे पति के साथ थे, उनकी गोद में एक बच्ची थी। कौन थी वो बच्ची? उनकी बेटी। क्या उन्होंने छुप कर दूसरी शादी कर ली थी? शायद। Your witness. Thank you. कमला देवी, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अपने पति इंद्रजीत मुखर्जी के खिलाफ आपका क्या इल्जाम है? कुछ नहीं। यालाना, प्लीज बी काइंड इनफ टू नोट द पॉइंट। कमला देवी, क्या आप अपने पति से प्रेम करती हैं? पति से प्रेम और सेवा करना ही तो स्त्री का धर्म है। क्या आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया था? वो इतने छोटे दिल के नहीं है। मैंने खुद अपनी मर्जी से उनका घर छोड़ा था। क्यों? उनकी खुशी के लिए। आपने अपनी आत्महत्या की झूठी खबर क्यों फैलाई थी? वो भी उनकी खुशी के लिए। आपके घर छोड़ने या मरने की खबर से आपके पति को क्या कोई खुशी हो सकती थी? जवाब दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, उनकी एक दूसरी पत्नी भी है जिसका नाम पहले रमा था, अब रोजी है। तो परिवार होने के कारण मेरे पति बहुत उलझन में रहते थे। उन्होंने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी। मैं उनकी ये तकलीफ नहीं सह सकती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और आत्मघात की खबर फैलाई ताकि उन्हें मेरे बंधन से मुक्ति मिल जाए। आप ही बताइए चाचा, मैंने क्या बुरा किया? मैंने वो ही किया जो हर पत्नी को करना चाहिए। पति की खुशी में ही पत्नी का जीवन है। जिसने उन्हें संतान का सुख दिया, सच्चा अधिकार उसी का है। मिस्टर सेन, अब गवाह से कुछ न पूछिए। यस योर ऑनर। अभी ला दूसरा गवाह पेश किया जाए। मिश्रो जी हाजिर हो। पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सत्य है, सच के सिवा कुछ नहीं। जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वैसे मैं सच के सिवा कुछ कहती भी नहीं हूँ। आपका नाम? कौन सा नाम? आपके कितने नाम? जो मुझे जैसे प्यार से पुकारता है। से कहा जाए तो वो चश्मा उतार कर अपना बयान दे। Is it necessary, Your Honor? आप चश्मा उतार ही दें तो बेहतर। आप अदालत को वही नाम बताइए जो आपके माँ बाप ने रखा था। मिस रमा चौधरी। और कौन सा नाम है आपका? शादी के बाद रमा सेन, फिलहाल रोजी। इसका मतलब ये हुआ कि रमा और रोजी एक ही लड़की के दो नाम हैं। और भी बहुत से नाम है वकील साहब, जाने मन, नूरे नजर, प्रिया, उर्वशी। कोई कोई तो प्यार से जाने जिगर और दिल रुबा भी कहता है। आप इंद्रजीत मुखर्जी को कैसे जानती हैं? कैसे का क्या मतलब? जानती हूँ, इतना ही काफी नहीं है। क्या आपने उन्हें कभी रुपया दिया था? जी हाँ, दिया था। कब दिया था? एक तो तब जब मैं रमा सेन थी, करीब 25,000 के जेवर दिए थे जिन्हें बेचकर
उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी। फिर? और फिर कुछ महीने पहले जब इनकी फैक्ट्री में किसी ने 3 लाख रुपए का गबन किया था, उस वक्त मैंने फैक्ट्री को बचाने के लिए 3 लाख रुपए जबरदस्ती इन्हें दिए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है, यह है बैंक का स्टेटमेंट, यहां से मैंने रुपया निकाला था। Your Honor, this statement proves her point. That's all, Your Honor. My learned friend may take over. Rama Devi, उस मिस रव जी, ये जो 3 लाख रुपए आपने इंद्रजीत मुखर्जी को दिए, ये आपके पास कहां से आए? ये मेरी खुद की कमाई है। आपने इतना पैसा कैसे कमाया? कब कमाया? ऑब्वियसली एक दिन में नहीं, सालों में कमाया और धीरे धीरे जमा किया। क्या ये भी बताना जरूरी है कि कैसे कमाया? जी हाँ जरूरी है। तो जवाब ये है कि जब मैंने वो रास्ता अपनाया जिसे लोग पाप का रास्ता कहते हैं। इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहन कर अदालत में भी चली आए। क्यों? अदालत से मुझे कोई ऐसा हुक्म भी नहीं मिला था कि मैं बुर्का पहन कर आऊं। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज प्रोसीड। आपने मेरे काबिल दोस्त को ये बताया कि आप इंद्रजीत मुखर्जी को जानती हैं, मगर ये नहीं बताया कैसे जानती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखते ही दिल पहचान लेता है। अच्छा, और सिर्फ इस पहचान के ही कारण एक पुत्री का जन्म हो गया। वो बच्ची रमा सेन की है, रोजी की नहीं। अदालत में पहेलियां बुझाने की कोशिश मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बेटी के जन्म के साथ मेरे कलंक का कोई वास्ता नहीं है। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बारे में कुछ और कह सकती हूँ। कहिए। थैंक यू। वैसे कोई नई बात नहीं है, फिर भी शायद भरी अदालत में कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। योर ऑनर, मैंने बहुत दुख सहे हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे मजबूरन पाप के रास्ते पर चलना पड़ा। आज मैं एक बदनाम बदचलन औरत हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, शायद इसीलिए मुझे इंद्रजीत को पहचानने में कभी भूल नहीं हुई। लोग मेरे शरीर से खेलते हैं, लेकिन इंद्र ने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। वो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। समाज स्त्री और पुरुष की दोस्ती पर उंगली उठाता है, खास तौर पर जब एक शादीशुदा अमीर आदमी की दोस्ती मुझ जैसी एक लड़की से हो। शायद इसीलिए इंद्रजीत को आज इस अदालत में आकर कलंकित होना पड़ रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी इंद्रजीत की पत्नी कमला देवी पर है। मैं इन पर इल्जाम लगाती हूँ कि ये अपने पति को नहीं समझ सकी, समझने की कोशिश भी नहीं की। इन्होंने अपने पति को प्यार नहीं दिया, उनका विश्वास नहीं किया, बल्कि शक किया, नफरत की। इनके भाई अविनाश ने इंद्र के फैक्ट्री में 3 लाख रुपए का गबन किया, फिर भी इंद्र ने इनकी खुशी के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पत्नी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसका पति जेब में जहर की शीशी लेकर घूमता था, मौत को गले लगाकर इज्जत बचाने के लिए। योर ऑनर, जिन लोगों की खुशी के लिए इंद्र ने सारी जिंदगी बिता दी, उन लोगों ने बदले में इंद्र को क्या दिया? सिर्फ बदनामी, नफरत और चोरी का इल्जाम। खत्म होते हुए इंसान के रूप में इस महान पुरुष के दर्द को अगर कोई समझा तो सिर्फ इस जलील गंधी औरत रोजी ने, जिसका इनसे कोई स्वार्थ नहीं। मेरा सिर्फ एक ही अरमान था योर ऑनर, जिस बच्ची को बचाने के लिए मुझे इस कीचड़ में उतरना पड़ा, उसे इस धरती पर इंद्र के सिवा कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, इंद्र तुम ही मीनू को बचा सकते हो, सिर्फ तुम।
बचा लो इंद्र, उसे बचा लो। The court is adjourned for the day. तुम लोग मेरा ठहरो, मैं वकील साहब से बात करके आता हूँ। सबके सामने अपने आप को गिराने की क्या जरूरत है? मैं मीनू के पिता को बेइज्जत होते कैसे देख सकती थी? कैसे? अच्छी है, होटल में है, तुम्हारे बारे में बहुत पूछती है। भैया, क्या बात है देव? भैया भाभी बेहोश हो गए। कमला, तू तो खड़ा खड़ा मुंह क्या दिख रहा है? भैया क्या बात है देव? भैया भाभी की हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अविनाश भैया की बातों ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। पगले, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अविश्वास के बाद जो विश्वास पैदा होता है वो कभी नहीं टूटता। और फिर मेरे ख्याल से इसकी जरूरत भी थी, है ना? मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या, तू तो इस घर की बहू है, इस घर की शोभा है। बड़े भैया, बहू रानी होश में आ गई है, तुम्हें बुला रही है। कमला ठीक हो ना? यहाँ क्यों लाया मुझे? पत्नी का स्थान पति का घर होता है। अगर मुझे मालूम होता तुम अच्छी भली हो तो पहले ही ले आता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने भी तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? सुहागरात के समय तुमने वचन दिया था ना कि हम लोग किसी गलत फहमी के शिकार नहीं होंगे। भूल जाओ कमला, जो होना था सो। लेकिन देखो अब मुझसे कभी झगड़ा मत करना। अरे हाँ, वो कहाँ गई? वही तुम्हारी रमा। तुम क्या चाहते हो, वो हमारे लिए सब कुछ त्याग करके महान बन जाए और मैं सबकी नजरों में गिरी रहूं? मिलोगी ना? हाँ, मुझे अभी ले चलो उसके पास। हेलो, अरे रमा माफ करना, कोर्ट से निकलते वक्त जल्दी मैं तुमसे मिल नहीं सका। अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। सुनो, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मुझसे? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं तो मुझे क्यों एतराज होगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो जब चाहे आ सकती है। अच्छा, हम दोनों अभी आते हैं। अच्छा मीनू जी आंटी,
जानती हूँ मैं किससे बात कर रही थी, तुम्हारे पापा से। पापा से? जब मैंने बुलाया क्यों मैं तुमसे बात नहीं करती? उठो नहीं बेटी, वो यहीं आ रहे हैं तुमसे मिलने। सच? पापा मुझसे मिलने आ रहे हैं? हाँ बेटी, वो तुमसे मिलने आ रहे हैं, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उनका बहुत बड़ा घर है, वहां तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने हैं, वहां तुम्हें सब प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। भी मेरे साथ चलोगी ना? मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा घर तो दूसरा है, मैं तुम्हारे पापा के साथ कैसे रह सकती हूँ? आंटी तुम रो क्यों रही हो? मुझे डर है मीनू, वो मुझे कहीं जबरदस्ती ना ले जाए। आंटी तुम ऐसा करो, तुम छुप जाओ। छुप जाओ? हाँ यही अच्छा होगा, लेकिन लेकिन तुम मुझे बताना नहीं। वो मुझे ढूंढेंगे लेकिन मैं कहीं नहीं मिलूंगी, बड़ा मजा आएगा है ना? कहिए अविनाश बाबू, यहाँ कैसे आना हुआ? कमला की तबीयत खराब सुनकर मेरे पाँव के नीचे जमीन निकल गई। कमला अब कैसी हो तुम? दूर हो जाइए मुझसे, हम दर्दी दिखाने आए हैं, शर्म नहीं आती आपको? ये क्या कह रही हो कमला, आखिर ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। भगवान ऐसा भाई किसी को न दे। कमला हमारे सुखी संसार में आग लगा थी, मैं आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहती, आप चले जाइए यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाइए। अविनाश बाबू जाइए। मीनू। पापा। देखो बेटा मैं किसे लाया हूँ, बता सकती हो ये कौन है? तुम माँ से मिलना चाहती थी ना? ये तुम्हारी माँ है। मेरी ना? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सचमुच तुम मेरी माँ हो? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं बेटे, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी बाहर आ जाओ, डरो नहीं, पापा के साथ ना ही है। रमा इंद्र, मैं तुम्हारे जीवन में समस्या बनकर रहना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ, शायद मेरे जीवन की मंजिल का रास्ता खत्म हो चुका है। मेरे लिए जो कुछ भी है मीनू है, उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे सिवा उसका ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं ये जिम्मेदारी सौंप सकूं, लेकिन अगर कमला बहन उसे अपनाना ना चाहे तो उसे किसी अनाथ आश्रम में भेज देना। और सुनो, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अगर हो सके तो होटल का बिल चुका देना।
रामा कहाँ है?